हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 25x30 फीट की हॉल्स डिज़ाइन, जिसकी स्क्वायर फीट बनेगी 750 स्क्वायर फीट, और इसे हम गज में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगी आपकी 83 गज। दोस्तों, ये स्टाइलिश हॉल्स डिज़ाइन करवाने में आपको अप्रॉक्स 8-9 लाख लग जाएगी। मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता रहा हूँ इंटीरियर को छोड़ के, ओनली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका 8-9 लाख लग जाएगी। अब दोस्तों, काफ़ी स्टाइलिश और मॉडर्न हमने इस हाउस को डिज़ाइन किया है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अब दोस्तों, वेंटिलेशन की थोड़ी भी कमी नहीं होगी। हमारे एक सब्सक्राइबर है, इन्हीं की रिक्वेस्ट है हमने इस हाउस को डिज़ाइन किया है। और अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं नए नए हाउस प्लान, हाउस डिज़ाइन लाते रहता हूँ जो आपके लिए यूज़फुल होगी। क्योंकि कभी ना कभी आप घर बनाओगे जो आपको एक अच्छी हाउस प्लान, हाउस डिज़ाइन की दरकार पड़ेगी, जो इस चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो ये इस हाउस का प्लान, इसे पॉज करके अच्छा समझ लें, डाउनलोड करना है तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए, आप घर के अंदर इंटर करते हैं और इसका इंटीरियर व्यू देखते हैं कि किस तरह से हमने इस हाउस को डिज़ाइन किया है। इंटर करते हैं दोस्तों, हमें मिल जाती है ड्राइंग रूम, जिसकी साइज है 13x9 फीट। काफ़ी खूबसूरत हमने इस ड्राइंग रूम को डिज़ाइन किया है। वेंटिलेशन के लिए आपको दो साइड पे विंडो मिलता है। इस ड्राइंग रूम पे हमने एक 2 सीटर सोफा और एक टेबल का सेटअप किया है। तो दोस्तों, अब इस घर को देख के कुछ आइडिया भी ले सकते हैं जब आप घर बनाओगे अपने घर के लिए। ठीक ड्राइंग रूम के साथ दोस्तों, हमने स्टेयर डिज़ाइन किया जो आपको छत या टेरिस की तरफ ले जाएगी। ये सामने वाला डोर से हम लोग इंटर करेंगे तो हम लोग पहुँचते हैं बेडरूम की तरफ, जो फ्रंट के साइड पर, जिसकी साइज है 10x9x10। इस बेडरूम पे भी आपको दो विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए आप किंग, और हमने एक किंग साइज बेड और एक बढ़िया सी वार्डरोब का सेटअप किया। फिर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस है इस बेडरूम पे। तो ओवरव्यू लुक आपको इस बेडरूम का कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, हम लोग इस बेडरूम से बाहर निकलते हैं, आगे बढ़ते तो हमें इस तरफ मिल जाती है बाथ एंड टॉयलेट, जिसकी साइज है 6x4x4। वेंटिलेशन के लिए 2x2 फीट का हमने विंडो छोड़ी हुई है बाथरूम में, जिससे आपकी सारी स्मेल बाहर हो जाएगी बाथरूम की। इस बाथरूम पे आपको मिलता है शावर और डब्ल्यू सी, ये कॉमन बाथ एंड टॉयलेट है। दोस्तों, अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ये डोर से हम लोग इंटर करते हैं तो हमें एक और बेडरूम मिलती है, यानी कि सेकंड बेडरूम, जिसकी साइज है 11x11। इस बेडरूम पे भी आपको वेंटिलेशन के लिए एक विंडो मिलती है, तो वेंटिलेशन की थोड़ी भी कमी नहीं होगी दोस्तों इस 25x30 फीट की हाउस डिज़ाइन पे। वीडियो में कुछ भी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं। यहाँ पर आपको एक किचन मिल जाती है, जिसकी साइज है 12x7x3। इस किचन के साथ एक छोटी सी डाइनिंग टेबल का भी सेटअप कर सकते हैं, इतनी स्पेस तो मिलती है किचन पे। तो दोस्तों, आपको मिलती है इस हाउस डिज़ाइन के अंदर 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, किचन एंड कॉमन बाथ एंड टॉयलेट। तो इस किचन का इंटीरियर आपको कैसा लगा, हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं इसका अपडेट आपको मिल जाए। स्टेयर पे दोस्तों, हमने ग्रेनाइट का यूज़ किया, सेफ्टी के लिए हमने रेलिंग का यूज़ किया है। यहाँ से हम लोग चलते हैं अपनी छत की तरफ। छत में आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। ये है मल्टी रूम, यानी कि स्टेयर रूम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये हाउस डिज़ाइन आपको अच्छी लगी होगी। और भी अच्छे अच्छे हाउस डिज़ाइन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।